MS धोनी ने IPL के 15वें सीजन के शुरू होने से दो दिन पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। फैंस धोनी के इस फैसले से काफी निराश हुए हैं। 2008 में MS धोनी CSK के कप्तान रहे हैं। धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स IPL इतिहास के सबसे ज्यादा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है। MS धोनी ने अपनी कप्तानी में फ्रेंचाइजी को 4 बार IPL में चैंपियन बनाया है। IPL इतिहास में मुंबई इंडियंस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सफल टीम है। रविंद्र जडेजा आगामी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, जबकि महेंद्र सिंह धोनी बतौर बल्लेबाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। CSK ने गुरुवार को एक बयान में कहा, महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कमान टीम के अनुभवी एवं सबसे पुराने खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। जडेजा जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के अभिन्न अंग रहे हैं, CSK का नेतृत्व करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी इस सीजन और उसके बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। IPL 2022 मेगा नीलामी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली। लेकिन फ्रेंचाइजी ने जडेजा को धोनी से ज्यादा रकम देकर टीम में रखा था, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि जडेजा टीम के अगले कप्तान बन सकते हैं। धोनी ने अचानक लिए फैसले से सबको चौंकाया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी टेस्ट और वनडे की कप्तानी धोनी ने अचानक ही छोड़ी थी। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय करियर हो या IPL करियर, धोनी की कैप्टनसी रिकॉर्ड की कोई बराबरी नहीं है। CSK 26 मार्च को पिछले सीजन के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मुकाबले से अपना 2022 IPL अभियान शुरू करेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।